AK-47 और UBGL पकड़ाने के मामले में NIA की 3 सदस्यीय टीम आज पूर्णिया पहुंची। टीम के सदस्यों ने SP विशाल शर्मा के कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की। 20 मिनट की SP से मुलाकात में NIA की टीम ने AK-47 तस्करी से जुड़ी कई जानकारी SP से ली। इसके बाद NIA की टीम SP कार्यालय से रवाना हो गई। NIA की टीम यहाँ पे जो UBGL और AK-47 की रिकवरी हुई थी और भारी संख्या में जो कारतूस की बरामदगी हुई थी, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गृह मंत्रालय के आदेशानुसार NIA की टीम को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसी में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए चार्ज वगैरह केस का देना और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई हुई है। तो अब आगे अग्रिम अनुसंधान के लिए पूर्णिया पुलिस के द्वारा उसका अनुसंधान भार NIA की टीम को सौंप दिया जाएगा। NIA उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसका ट्रायल भी NIA स्पेशल कोर्ट में ही होगा फर्दर। जो गिरफ्तारी हुई सर, वो क्या रिमांड पे दिया जाएगा? हाँ, वो NIA कोर्ट के माध्यम से ही प्रोडक्शन करते हुए वहीं पे चला जाएगा। जो उसका डेजिग्नेटेड कोर्ट है NIA का, तो उसके माध्यम से उसको प्रोड्यूस करवा के जो भी डेजिग्नेटेड जेल है वहाँ पर रखवाया जाएगा। पूर्णिया से उसको कोर्ट के आदेशानुसार फर्दर उसको हटाया जाएगा। टोटल इसमें अब तक 6 गिरफ्तारियाँ हुई थी, इसमें 3 तो पहले ही दिन में वो जो कैरियर थे पकड़ाए थे गाड़ी के साथ में, इसके अलावा 2 गिरफ्तारियाँ झारखंड से हुई थी और 1 गिरफ्तारी फर्दर जो है नागालैंड से हुई थी। तो अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियाँ हुई थी और कई लोगों के नाम इसमें आए हैं, लगभग 20+ लोगों के नाम आए हैं जिनका रोल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है NIA के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी को पूर्णिया के बायसी में एक सफारी गाड़ी से AK-47 और UBGL के साथ करीब 1800 कारतूस पकड़ाया था। इस मामले की जांच अब से NIA की टीम करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।